सब्सक्राइब करें आज़ाद इंडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद। स्वयंभू मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, जिनमें से पहला है धरती चम दमो स्तम्यम शौचम इंद्र निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम दशकम धर्म लक्षणम। धृति धैर्य, क्षमा दूसरों के द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा कर देना, क्षमाशील होना। दम अपनी वासना का नियंत्रण रखना। अस्तय चोरी ना करना। शौच इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को वश में रखना। धी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना। विद्या अधिक से अधिक ज्ञान की पिपासा। सत्य मन वचन कर्म में सत्य का पालन। और अक्रोध यानी समय आने पर क्रोध ना करना। ये 10 लक्षण हैं जो अपने अनुकूल ना सेवा व्यवहार एक दूसरे के साथ ना करना चाहिए। शूयताम धर्म सर्वस्यम सुतवाच अनुबतताम आत्मनाम प्रतिकूलानि परेशान समाचरतम। धर्म का सर्वस्व क्या है? सुनो और सुनकर उस पर चलो। अपने को जो अच्छा ना लगे वैसा आचरण दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। धर्म एव हतो हन्ते धर्मो रक्षति रक्षिताः तस्मादामद्दो नाहन्तव्यः मानो धर्महतो बाधितम्। धर्म उसका नाश करता है जो धर्म का नाश करता है। धर्म उसका रक्षण करता है जो उसके रक्षार्थ प्रयास करता है, यानी कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी धर्म रक्षा करता है। यत्राधर्मो हधर्मेण सत्यम यत्रानित्रतने चाह हन्नते प्रक्षणानाम हतास्त्र सभासदाः। जिस सभा में अधर्म से धर्म असत्य से सत्य और सभासदों के देखते हुए मारा जाता है उस सभा में सबके सब मृतक हैं, जानो उसमें कोई जान ही नहीं है। धर्मो विद्यास्तस्तधर्मेण सभ्यामयत्र प्रतिष्ठते शल्यं चास्य न कृतान्ति विद्यास्त्र सभासदाः। अर्थात धर्म का मान अधर्मी को दंड नहीं मिलता है उस सभासद में जितने भी हैं सबके सब घायल ही समझे। ऋग्वेद विद्यर्जो साम वेद विदे प्रवारा परिजज्या धर्म संशया निर्णय। ऋग्वेदित यजुर्वेदित और साम वेदित इन तीनों विद्वानों की भी सभा धर्म संशय अर्थात सब व्यवहार के निर्णय के होनी चाहिए। और जिस सभा में ऋग्वेद यजुर्वेद और साम वेद के जानने वाले तीनों सभासद होके व्यवस्था करें उस सभा की हुई व्यवस्था का भी कोई उल्लंघन ना करे। स्मरण रहे पशु बलि जीव बलि मांस रक्षण पाषाण पूजा आदि वेद विरुद्ध कर्म व पाखंड अंधविश्वास धर्म के अंतर्गत नहीं आते हैं। आशा करता हूँ अब आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम।